हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शैलेश शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और ये दो ऐसी सीरीज है जो TRK के लिए है, TRK 502 एंड TRK 502X दोनों में ही यूज आती है। ये एक हमें टैंक पैड का कॉम्बो मिल जाता है जिसमें थाई पैड भी है और टैंक पैड भी है। तो इस कॉम्बो में आपको 3 स्टिकर्स मिलेंगे, 2 थाई पैड जो बाइक के थाइज के पार्ट्स में लग जाएंगे, और एक आपको टैंक पैड मिल जाएगा जो उस पर TRK 502 की ब्रांडिंग की हुई आती है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक आता है, वाइट आउटलाइन आता है इसमें। तो इसे चिपकाएं कैसे, इसके लिए आपको आपके जो पैकेट आएगा आपको कॉम्बो मिलेगा, उसमें स्टिकर्स मिलेंगे, ग्लू मिलेंगे जो दोनों साइड से निकलता है, ऊपर साइड से भी निकलता है और पीछे के साइड से भी निकलता है। तो ये जो रेड वाला पार्ट है इसे खोल के आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर लगाना पड़ता है, ऐसे ये लग जाएगा, और फिर इसके बाद पीछे से आप वाइट ग्लू निकाल दें और इसे डायरेक्ट टैंक पैड पे लगा के लगा सकते हैं। तो एक ये है, और ये भी सेम तरीके से, ये जो हमारा थाई पैड है इसके लिए भी हमें 2 ग्लू मिल जाते हैं, इसे भी सेम तरीके से हमें लगाना होता है। तो ये कॉम्बो मिल जाएगा आपको, ये हमारे पास अवेलेबल है, आप लोग अपने बाइक के लिए हमसे बाय कर सकते हैं। और अगर आपको ख़रीदना है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जब वहाँ से हमें DM या कॉल करके ले सकते हैं। और ये जो सेकेंड एक्सेसरीज है, ये साइड स्टेनिल लार्जर है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में आता है। पीछे इसमें ग्रिप बनाने के लिए ये लाइन्स बनी हुई आती है जिससे ग्रिप अच्छी बनती है बाइक में, और ये एक अलॉय मेटल का होता है जो जिसमें जंग भी नहीं लगता है, बहुत ही अच्छा मटेरियल का है। और इसका जो मेन पर्पज़ है, ये हमारे साइड स्टैंड का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके एरिया को इनलार्ज कर देता है, जिससे आपकी बाइक कीचड़ में, मड में या रेत में गिरती नहीं है, एरिया बढ़ जाने के कारण आराम से होल्ड कर लेती है। तो ये दोनों पार्ट मैं अपनी बाइक में भी लगाने वाला हूँ, इसलिए मैं इसे आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें 3 कलर्स आते हैं, इसमें तो आपको सिंगल कलर मिलेगा अभी हमारे पास, और इसमें आपको 3 कलर मिल सकते हैं, एक रेड, एक ब्लैक एंड थर्ड वन ग्रे। तो ये 3 कलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये भी आप लोग हमसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए अभी से हम अपने बाइक पे लगाना शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे लगेगा। तो उससे आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी पता चल जाएगा और लगने के बाद कैसा लगता है उसका भी आइडिया लग जाएगा। तो इस तरह देखिए, एक साइड के मैंने हमने वाइट वाले पार्ट में से जो ग्लू था इसमें से वाइट पार्ट निकाल के इस पर स्टिक कर दिया है, जैसे ये हमने तैयार कर लिया है। अब एक साइड रेड मार्क है, इसको हटाएंगे और थाई पैड पे लगा देंगे। ऐसे ही सिमिलर इसमें जो अपना ये टैंक पैड है इसमें भी हमने वाइट पार्ट हटा लिया, ये रहा वाइट पार्ट हमारा, और इस पर स्टिक कर दिया टैंक पैड पे। अब इस पार्ट से खोलेंगे और टैंक पैड पे लगा लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लू है, देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा पार्ट था। तो टैंक पैड लगाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है हमारी, ये देख सकते हैं ये इसका सही पोजीशन है। ये जो हमारी बाइक है ये TRK 502X है, तो यहाँ पे हम इसको लगाते हैं। हमने ऊपर ही इसका वाइट वाला पार्ट हटा दिया था 3 ही पार्ट के, और उसमें हमने ग्लू लगा दिया है। तो बस इसे खोलना है और इसे हमें यहाँ पे होल्ड करना है। तो इसमें बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत ही आसान है। तो इसे हम लोग हटा लेते हैं और इसे हम लोग अच्छे से स्टिक कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे से शुरू किया है और लगाते लगाते अब हमारा ऊपर तक आ गया है। लास्ट पॉइंट पे आके हम इसे प्रॉपर जो हमारा रेड वाला पार्ट है उसको हटा के और प्रॉपर लगा देंगे। बहुत ही अच्छे से लग जाता है, काफ़ी अच्छा इसका लुक आता है, देख सकते हैं आप लोग। तो काफ़ी बढ़िया से अच्छे से लग जाता है। ग्लू जो इसके साथ आता है वो बहुत अच्छे क्वालिटी का है और इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा थिकनेस है इसकी। तो ये आपके जो टैंक है उसको काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। और ये सैडलिंग जब हम लोग करते हैं खड़े होके तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि सैडलिंग के टाइम पे हमारे थाइस से स्क्रैच आने के चांसेस होते हैं, वो इससे बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसे लग जाएगा, ये जो हमारा स्टिकर है कंपनी का उसके साइड में बिल्कुल आता है ये। इसे सही पोजीशन पे लगाना ज़रूरी है तभी इसका लुक आता है प्रॉपर। तो ऐसे साइड वाले जो थाई पैड है ये भी हमने लगा लिया है, तो इसका लुक देख सकते हैं आप। ये हमारा टैंक पैड और ये
राइट साइड वाला थाई पे, तो दोनों तरह का साइड पे लग चुका है अच्छे से। और मैं इसे अच्छे से आपको एक बार और दिखा दूंगा कंप्लीट होने के बाद। तो सबसे पहले इसमें चार फोर नट्स आते हैं, इन्हें हम लोग खोल लेंगे। ये भी लगाना बहुत सिंपल है, तो इसे ये लंकी है, इसे लंकी से धीरे धीरे चारों नट्स को हमने ढीला कर लिया है। देखिए आराम से खुल गया, ये देखिए ये आराम से, ये लंकी है, इसे लंकी से नट खुल गया। तो हमने चारों नट्स खोल लिए हैं। अब खोलने से ये दोनों पार्ट सेपरेट हो जाएगा और एक नीचे पार्ट लग जाएगा और ये स्टैंड के ऊपर लग जाएगा, और वापस हमको बस चार नट्स को वापस टाइट करना है। तो बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ये देखिए ये हैवी मेटल का प्रोडक्ट है जिस पे TRK की ब्रांडिंग है और यहाँ पे एक डिजाइन भी बनी आती है जो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये नीचे की प्लेट है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है, बहुत सही, बिल्कुल पास एकदम दिखे, ठीक है, ऑन कर, ऑन कर दिया। तो ये देखिए ये इसमें स्पेस बना हुआ है और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आपके सिर्फ TRK 502X में ही लगेगा, ये 502 में नहीं लग पाता है क्योंकि दोनों का जो साइड स्टैंड है इसकी डिजाइन अलग अलग है। तो ये जो पार्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, ये TRK 502X के लिए है। तो ये देखिए ये डालते ही बिल्कुल इसकी फिक्स नाप का आता है और लग चुका है। और इसके बाद इसको डाल के बस यहाँ पे टाइट करना होता है, बस यहाँ पे चार नट्स को हम टाइट कर देंगे और ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। दिखा नीचे जूम करके पास, तो ये देखिए हमने चार नट्स को लगा दिए और आसानी से टाइट हो गया है ये। फिर इसको भी टाइट कर लेते हैं, ऐसे ही वन बाय वन सबको टाइट कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है इसे लगाना और देख सकते हैं एरिया कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और इसका मैं एक बार पूरा लुक दिखाता हूँ आप लोगों को जो मैंने आज दोनों चीज़ें लगाई है। तो हमारी दोनों चीज़ें लग के कंप्लीट रेडी हो चुकी है। TRK 502 ब्रांडिंग के साथ टैंक पैड है हमारा जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और ये दोनों साइड थाई पैड लग चुके हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ये भी बहुत अच्छे से लग चुका है। जो इसका गम एक्स्ट्रा अलग से आने का मेन रीज़न यही है कि अच्छे से चिपके, क्योंकि नॉर्मली जो लगे हुए आते हैं वो कई बार निकल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है और बहुत ही मजबूती से, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ से निकला हुआ हो। और हमारा जो साइड स्टैंड इन लार्जर है वो भी लग चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी लग चुकी है और आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये लगने के बाद बाइक कैसी लग रही है। और अगर आप लोगों को चाहिए तो हमें कमेंट करके DM या कॉल कर सकते हैं, आपको हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, मिल जाएगी और आप हमसे बाय कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।